इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी एक बेटी है? Well, हाँ, ऐसा ही है। और वो कितने साल की है? 15 साल की। 15 साल की? अच्छी उम्र है, डायपर बदलने का कोई झंझट ही नहीं। जिंदगी कभी कभी आपको हैरत में डाल देती है। तुम इतने परेशान थे कि तुम्हारे कोई अपनी औलाद नहीं, और देखो तुम्हारी एक टीनेजर बेटी है। मैं भी हैरान हुआ, मुझे हाल ही में इसके बारे में पता चला। और इसकी माँ कौन है? मेरी जवानी के दिनों की एक लड़की है। हाँ बेशक, हम सब गुजरे हैं उस दौर से। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्यों पिछले दिनों कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे थे और मैं पागल पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। जाने मन, तुम ही मेरी इकलौती प्यारी बीवी हो। मुझे भी ऐसी उम्मीद है। ओ सॉरी, मैं बस एक मिनट में आया, थोड़ा इंतजार करना। कहिए, मैं आपको ध्यान से सुन रहा हूं मिस्टर विल्सन। मेरे पास एक नाजुक मसला है। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या मैं पैटर्निटी के लिए दावेदारी दे सकता हूं, अगर मुझे हाल ही में पता चला हो कि मेरी एक 15 साल की बेटी है। ये देखते हुए कि उसकी माँ, मैं कैसे कहूँ, बहुत अजीब है और बिल्कुल भी कॉपरेट करना नहीं चाहती। मामला आसान तो नहीं है, पर फिर भी इस मामले में कुछ कर सकते हैं। मुझे आपकी काबिलियत पर भरोसा है। सुनो नेट, लूला कुछ दिनों से मुरझाई हुई सी नहीं लग रही है बहुत ज्यादा, तो शायद तुम जानती हो। क्या मतलब तुम्हारा? क्या पता कोई नशा करने लगी हो। हाँ, माफ करना, पर उबकाई आना, मुझे नहीं लगता कि कोई आधार है ये शक करने का कि लूला ड्रग्स ले रही है। अच्छा तो बताओ उसे इतने अजीब मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं? ये सब किसी भी वजह से हो सकते हैं। शायद वो पॉल से अभी भी प्यार करती है। लूला, ये तुम्हारे लिए। ये देखो तो सही। ओ, तुम तो कैंडी की पूरी दुकान ही लूट लाए। तुमसे मतलब? हाँ, तो तुम्हें ये पसंद आया? और तुम यहाँ क्या पढ़ रही हो? बोलो क्या बात है। क्या तुम प्यार में बिल्कुल अंधे हो गए हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। ऐसा मत कहो। तुम जानते हो वो दूसरी लड़कियों से तुम्हारे बारे में क्या क्या कहती है? ये तुम क्या कह रहे हो? वो बस अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, बस इतनी सी बात है। उसका मुश्किल भरा दौर कभी खत्म ही नहीं होता है। अरे यार सुनो जैक, वो मेरे लिए बेहद खास है। तुम चाहते हो कि हम दोस्त बने रहें, तो तुम्हें इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक्स। अब मिस्टर मेंडलसन कैसे हैं? कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर का कहना है कि लंबे वक्त तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है। ओ अच्छा, पर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? मेरे साथ आओ, उनके पास लेकर जाता, उनसे ही पूछ लेना। मिस्टर मेंडलसन कैसे हैं आप? मिसेस वाटर्स, पहले से बेहतर, पर डॉक्टर्स का कहना है कि मुझे यहाँ 2 हफ्ते और रुकना पड़ेगा। जरा इन्हें देखिए। ये क्या है? अपॉइंटमेंट के ऑर्डर। पहले वाला मेरे सहायक के तौर पर अपॉइंटमेंट, और दूसरा वाला कार्यकारी प्रिंसिपल के तौर पर अपॉइंटमेंट का ऑर्डर। इन कागजों को शिक्षा विभाग में जमा करना होगा और आज बन जाएंगी स्कूल की नई प्रिंसिपल। वेल, अभी के लिए अस्थाई प्रिंसिपल। मैं आपके भरोसे की कद्र करती हूँ, पर मैं ये सब संभाल नहीं पाऊँ। ये सब छोड़िए, पहले बताइए मिसेस वाटर्स, क्या मैं आपको किट बुला सकता हूँ? मेरे ख्याल में एक आप ही हैं जो ये सब संभाल सकती हैं, और आप ही हैं बस जिन पर मुझे भरोसा है। और फिर अगर जरूरत पड़े तो मैं हूं मदद करने के लिए। आप एक शानदार स्कूल में काम करती हैं जहां ज्यादातर लोग आपकी इज्जत करते हैं। सही बात कह रहे हैं आप, पर मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि मिस कॉफमैन इस बात को किस तरह से लेंगी, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा होगा कि किट, ये मेरे लिए एक मुश्किल फैसला था, पर यकीन मानो ये फैसला मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि डोरा के लिए भी लिया है। डोरा को अभी किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत है। केट रुको, केट।
मुझे तुम्हें सब समझाना है। देखो मुझे कुछ भी नहीं समझना है, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। मुझे नहीं लगता। बहुत गलत हुआ पर यही सच है। फिर भी मुझे एक मौका दो। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। नहीं तुम समझ नहीं रही। एलेक्स तुम बहुत कमाल हो और मैंने तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिताया। थैंक यू, गुड बाय। ठीक है, मिसेस वॉटर्स अभी तक आई नहीं है तो मिस टर्नर को उनकी छठी क्लास लेनी पड़ेगी। मिस कॉफमैन, मैंने बताया था कि मेरे पति की तबीयत खराब है, मुझे जल्दी जाना है। तो इस हालात में आपके पति को इंतजार करना ही पड़ेगा। प्यारे सहकर्मियों, एक बहुत अर्जेंट खबर है आपको सुनानी है। मिस्टर मेंडलसन ने अभी अभी मुझे बतौर कार्यकारी प्रिंसिपल नियुक्त किया है। बधाई हो मिसेस वॉटर्स। आपका दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया है? वो कैसे आपको कार्यकारी प्रिंसिपल नियुक्त कर सकते हैं जब आप सहायक प्रिंसिपल भी नहीं हैं? और आज से मैं ही सहायक प्रिंसिपल भी हूँ। प्रिंसिपल ने इस ऑर्डर पर अपने साइन कर दिए हैं। मिस कॉफमैन, मुझे आपके साथ बेहद जरूरी बात करनी है, क्या आप थोड़ा वक्त देंगी प्लीज? मिस वॉटर्स बधाई हो। थैंक यू मिसेस टर्नर। मिस वॉटर्स क्या कहूँ, किस मुश्किल में हूँ। मेरे पति बीमार हैं और मिस कॉफमैन मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपकी क्लास लूँ। मिसेस टर्नर फिक्र मत कीजिए, आप घर जाइए, मैं अपनी क्लासेस खुद ले लूँगी। थैंक यू, मिस्टर मेंडलसन ने आपको नियुक्त करने का कितना सही फैसला लिया। थैंक यू, अब जाओ। थैंक यू, ओके, गुड बाय। बाय। मुझे समझ नहीं आ रहा मिस्टर मेंडलसन, आपके डैड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। शांत हो जाइए प्लीज मिस कॉफमैन, मैं आपको सबको समझाता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं समझना, बस ये याद रखिएगा कि मैं मिसेस वॉटर्स के नीचे काम करने वाली नहीं हूँ, ये आप अपने डैड को बता दीजिए। आखिर वो चीज क्या है? प्लीज शांत हो जाइए मिस कॉफमैन, पहली बात तो डैड ने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया है। अच्छा, मेरे लिए? देखिए मिस कॉफमैन, बात कुछ ऐसी है कि एक दिन पहले डैड ने आपके इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कई संस्थाओं से बात की थी। क्या? उन्हें पूरा भरोसा है कि इससे आपको अपना इलाज कराने के लिए जरूरी रकम मिल जाएगी। मैंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने सबको बता दिया। देखिए मिस कॉफमैन, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई है। मुझे दिख रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि मिसेस वॉटर्स मुझे कैसे घूर रही हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी। मेरे डैड ने सिर्फ ये मुझसे कहा है और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, चले जाइए। और याद रखिएगा, मैं इस बात को यहीं खत्म नहीं होने दूंगी। अगर आपने अपना मन बदल लिया है तो मेरे पास चैरिटी संस्थाओं के नंबर हैं, मैं आपका इंतजार करूंगा। चले जाइए। वेल निकी, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, कुछ ही दिनों में सब शांत हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। मुझे लगता है वो डोरा से तो बेहतर है। हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है वो नागिन प्रिंसिपल नहीं बनी। इन सबसे ऊपर उठो, कुछ दिन में सब भूल जाएंगे कि तुम्हारी माँ स्कूल की प्रिंसिपल है। हाँ बिल्कुल, मान भी जाओ। वैसे तुम इतना क्यों सोच रही हो कि वो ये सब सोच रहे होंगे? इन सब चीजों को छोड़ो, हम दोनों साथ में हैं। क्या कहने, ये तो दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने में बड़ी तेज निकली। लोला, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? टोनी, अभी नहीं, बाद में। नहीं अभी बताओ तो, क्या तुम डेट पर चलोगी या नहीं? टोनी मैं तंग आ गई हूँ, कितनी बार यही पूछोगे? मैं कुछ समझा नहीं, तो क्या हम एक कपल हैं या नहीं? मुझे बता दो सबके सामने, तुम मेरे साथ हो या नहीं? सच में मैं तंग आ गई हूँ, मैं तुम सबसे तंग आ गई हूँ। मुझसे भी? हाँ तुमसे भी, और उससे भी, और इससे भी, तुम सबसे। देख लिया दोस्त, मैंने तुम्हें समझाया था, तुम्हारे लिए बुरा लगा। नहीं, मैं उसे अपना बनाकर रहूंगा कैसे भी। मैं थोड़ी देर में आता हूं। ओह 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 हो,
क्या लव ट्रायंगल है। हाँ सच में। वेल टोनी के साथ वो डबल डेट पर जा सकते हैं। यार कम बोल। ओके रुको रुको कर। जी डॉक्टर, मुझे जितनी जल्दी हो सके आपकी एक अपॉइंटमेंट चाहिए। मुझे डर है कि मेरी हालत खराब है। हाँ ये मेरे लिए ठीक रहेगा। थैंक्स, मिलते हैं बाद में। लोला क्या कुछ हुआ है? क्या तुम बीमार हो? तुम सब सुन रहे थे? नहीं, मैंने गलती से तुम्हें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हुए सुन लिया। क्या कुछ ऐसा है जिसमें मेरी मदद चाहिए तुम्हें? तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम अपने काम से काम रखो ठीक है। देखो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। लोला देखो अगर तुम्हें कुछ परेशानी हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने का वादा करता हूं। कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। फिर भी अगर जरूरत हो तो याद जरूर करना। निकी, निकी, स्वीटी, सुनो मेरी बात, सुनो प्लीज। चलो एडल्ट्स की तरह बात करते हैं। जाइए यहाँ से। क्या आप पूरी तरह मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? ये तुम क्या कह रही हो? प्रिंसिपल की बेटी, इससे बुरा और क्या हो सकता है? निकी बेटा, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। मुझे तो पहले से ही पता था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगी। आपको दूसरों की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी जिंदगी आपने बस अपने बारे में सोचा है। तुम ठीक नहीं हो। चलो बाद में बात करते हैं। ये अच्छा है कि मैं डैड के साथ जल्दी से आपसे दूर चली जाऊंगी और आपको और बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। हेलो सर। हेलो, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मुझे प्लीज बताइए टीचर्स का स्टाफ रूम कहाँ है यहाँ? बेशक मैं आपको बताऊंगा। ऐसी खूबसूरती की मदद कौन नहीं करेगा भला। मैं इंग्लिश टीचर को ढूंढ रही हूँ, एलेक्स। ओ, अलेक्जेंडर मेंडलसन को। मुझे उनसे थोड़ा अर्जेंट काम है। मैं समझ गया। आप सेकंड फ्लोर में जाइए और वहां से बाएं और तीसरा दरवाजा। थैंक यू सो मच। ओह गॉड, मिस्टर मेंडलसन की पसंद काबिले तारीफ है। मैंने तुम्हें देखा उसके साथ बात करते हुए। निकी, मैं तुम्हें एक ही बात 100 बार कह चुका हूं। या शायद अब आखिरकार तुम सच बता दो। तुम कौन सा सच सुनना चाहती हो? पॉल, बहुत हो गया, मुझे सब दिखाई देता है। तो क्या देखा तुमने? यही कि तुम्हें आज भी उसकी परवाह है। निकी, मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। बहुत खूब। तुम्हें ये समझना होगा कि जितनी जल्दी वो अपनी प्रॉब्लम सुलझा लेगी उतनी ही जल्दी हमारा पीछा छोड़ेगी। क्या अजीब रास्ता है अपनी एक्स से छुटकारा पाने का, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता। पॉल, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो बोल दो। मेरे साथ रिश्ता बनाने का क्या मतलब? क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो? निकी, मैं तुम्हें एक ही बात की सफाई देते हुए थक गया। थक गए हो तो जाकर आराम करो। निकी। ओ, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यहाँ पर रास्ता ढूंढना आसान नहीं है। 3 बार रास्ता भटक गई। फिर जाकर पहुंची हूँ। हेलो डार्लिंग। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं यहाँ तो 20 मिनट पहले गई थी पर बाहर थी, फिर सोचा अपनी आंखों से तुम्हारा स्कूल देख लूं। वेल, अगर ये बात है तो मेरे प्यारे कलीग्स, मिलिए मेरी मंगेतर मैरी से। ये कुछ दिन पहले ही अमेरिका से आई हैं। मिलकर खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई। आपकी मंगेतर बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू, वो तो है। डार्लिंग तैयार हो जाओ ना, डैड से मिलने चलते हैं। हाँ, एक काम करो, तुम कार में बैठो, मैं डैड के ऑफिस से कुछ लेकर आता हूँ। मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है, मुझे आपकी मदद करने दीजिए वरना आप फिर से रास्ता भटक जाएंगी। मुझे अच्छा लगेगा। मैं तो भूल भुलैया समझ रही थी इसे। ये ठीक कहा आपने। हेलो, और ये कौन थी? वेल, ये है मिसेस वाटर्स, आपके फियांसे की बेस्ट फ्रेंड। ओह सच में? वेल, ये लोग अक्सर बातें करते हैं और अगर मैं पर्सनली मिस्टर मेंडलसन को नहीं जानती तो शायद मुझे लगता कि ये महज कॉलीग से कुछ ज्यादा है।
मदद के लिए शुक्रिया, मैं चलती हूँ। एली, कितना अच्छा हुआ तुम आ गई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आ जाओ प्लीज। एक सेकंड बस। एली, मुझे नहीं पता मैं करूं तो क्या करूं। क्यों, क्या हुआ? एली, वो मुझे धोखा दे रहा है। और तुम्हें पता है, मैं इस घटिया इंसान से प्यार करती हूं, साथ ही नफरत भी। हाँ, आजकल अच्छे मर्द ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ एली, वो मुझसे झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि बिजनेस ट्रिप पर है और जब लौटता है बहुत खुश दिखाई देता है। मैं उस औरत की खुशबू को सूंघ सकती हूं, पूरा अपार्टमेंट उस खुशबू में सराबोर लगता है। एक बात है, सारे मर्द कमीने होते हैं। मैं ऐसा नहीं सोच सकती। वेल, मेरे ख्याल में अभी भी अच्छे मर्द हैं इस दुनिया में। ओह, वो आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी आएगा। शायद उसे डर लगा हो कि मैं मर जाऊंगी। हेलो डार्लिंग, मैं तुम्हारे ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करने के लिए महंगी जर्मन दवा लाया हूं। ये तुम्हारे लिए दवा। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया। वैसे तुम्हें मिलवा दूं, प्लीज मेरी नर्स से मिलो। एली, आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके, मुझे भी। वेल, तो मैं रसोई में जाता हूं। ये कभी नहीं सुधरेगा। एली, स्टान तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। बेशक, मैं छोड़ दूंगा एली। हनी प्लीज रुको, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूं। तो तुम अपनी मामा के साथ रहते हो। ओ एली, तुम अपने बिजनेस ट्रिप पर हो, मिलने की कोशिश मत करना। ओके, बात तो सुनो। हट जाओ। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर बैठो, कुछ बात करनी है। सुनो निकी, कल से यही बेहतर रहेगा कि रात में तुम मॉम के साथ रुको। डैड नहीं। और साथ ही तुम अपना सामान भी ले आना, शायद तुम्हारा मॉम के साथ झगड़ा खत्म हो जाए। पर डैड, मैं क्यों उनके साथ अपना झगड़ा खत्म करूं? मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। बस चलिए, बेहतर होगा ना जाए। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ। क्या कोई सरप्राइज? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तो बेहतर होगा कि तुम आज रात अपनी मॉम के साथ रहो। ठीक है डैड, पर मुझे उम्मीद है कि आपका सरप्राइज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं उनसे नफरत करती हूँ। बोलो एली। केट, मुझे माफ करना, मैं आज आ नहीं पाऊंगी। क्या कुछ हो गया है? कुछ खास नहीं, मैं बस एक बेवकूफ हूँ, बस यही हुआ है। एली, वो शादीशुदा है। सिर्फ शादीशुदा नहीं, वो एक घटिया इंसान है और उसकी बीवी मेरी क्लाइंट है। एली देखो, अब तुम शांत हो जाओ प्लीज।
तुम आ जाओ मेरे पास अब। नहीं केट, मुझे माफ करना प्लीज, मैं बस घर जाकर जी भर कर रो लेना चाहती हूँ बस। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है। एलेक्स, तुम्हारा आज का दिन बहुत मुश्किल भरा था, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। नहीं डार्लिंग प्लीज, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, आज नहीं। एलेक्स, ये बहाना मैं पिछले 3 दिन से सुन रही हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया? मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसे मत करो प्लीज। हाँ डार्लिंग हाँ।